बिहार के शिक्षक ट्रांसफर पोस्टिंग के नए नियमावली से भड़के शिक्षक अभी शांत भी नहीं हुए थे कि शिक्षा विभाग का एक और आदेश आग में घी जैसा काम कर रहा है शिक्षा विभाग के नए आदेश के अनुसार स्कूल अवधि में टीचरों के लिए जींस और टी शर्ट पहनने पर रोक लगाई गई है इस फैसले ने शिक्षकों के बीच नाराजगी और बढ़ा दी है जहां कुछ शिक्षक संघों ने इस कदम का समर्थन किया है वहीं कई शिक्षक इसे अव्यवहारिक बता रहे हैं सवाल उठ रहा है कि आखिर ड्रेस कोड के लिए वित्तीय सहायता कौन देगा सरकार और विभाग क्या करना चाहती है शिक्षक को भी समझ में नहीं आ पा रहा है स्थिति यह है कि शिक्षा शिक्षक जो अगर जींस का पहनावा करते हैं तो जींस सरल है आप एक बार साफ कर दीजिए उसको दो दिन तीन दिन तक जो है कि पहन सकते हैं वह सस्ता भी है और टिकाऊ भी है तो सरकार ने ऐसा कोई जो आती ये ड्रेस अथी के लिए जो है कि कोई ऐसा नियम नहीं बनाया क्या पहनना है नहीं पहनना है सरकार ने अगर कोई कपड़ा पहनना तो सरकार ने इसके लिए कोई भत्ता दिया है कोई पैसा दिया है तो सरकार सबसे पहले जो शिक्षक बेहतरीन कपड़ा पहनते हैं उनके लिए बेहतरीन कपड़ा के लिए एक अच्छा दाम दे प्रत्येक छह महीना पर जो है कि उस कपड़े का जो है कि पैसा जो है कि बढ़ा बढ़िया कपड़ा दे बताया कि क्या पहनना धोती पहनना है कुर्ता पहनना है पैजामा पहनना है ठीक है जींस नहीं पहनेंगे लुंगी पहन के जा सकते हैं नाइट पैंट पहन पे के जा सकते हैं गजब के विभाग है गजब के आई है गजब के सरकार है थोड़ा समझदारी होना चाहिए ठीक है अभियान से जो है कि नाइट पैंट पहन के और शर्ट पहन के चले जाते हैं लुंगी और कुर्ता पहन के चले जाते हैं तब तो सरकार को एतराज नहीं होगा समझदारी से काम लीजिए नहीं तो शिक्षक लुंगी में धोती में कुछ में निकल जाएंगे पैजामा में निकल जाएंगे तब आपको और बुरा लगेगा पदाधिकारी है पदाधिकारी के हिसाब से रखिए हमको भी सम्मान कीजिए हम आपको भी सम्मान करते हैं इसीलिए बेहतरीन है 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 टिकाऊ सस्ता कपड़ा है, जो शिक्षक यूज करते हैं और उनको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए चाहिए पहनने के लिए बिहार विद्यालय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित विक्रम ने इस आदेश का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षकों के लिए एक समान ड्रेस कोड की मांग हमने लंबे समय से की है इसके लिए न केवल ड्रेस बल्कि आईडी कार्ड गले में पहनना भी अनिवार्य होना चाहिए लोकल एटीन के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहूंगा कि कल शिक्षा विभाग द्वारा जो पत्र जारी हुआ है शिक्षकों के ड्रेस और यूनिफॉर्म को लेकर के उसका विद्यालय अध्यापक संघ और बिहार के सभी छह लाख शिक्षक समर्थन करते हैं हम लोगों की वर्षों से मांग रही है शिक्षकों के लिए यूनिफॉर्म निर्धारित हो उनके लिए एक आईडी कार्ड जारी हो और साथ ही साथ उसके लिए राशि भी आवंटित की जाए शिक्षकों को भी अन्य विभाग के कर्मियों की तरह यूनिफॉर्म के लिए राशि मिलना चाहिए हर वर्ष उनको एक निश्चित राशि तय करके उनको मिलना चाहिए जिससे वो अच्छे से यूनिफॉर्म का पालन कर सके और यूनिफॉर्म पहनना शिक्षकों के लिए बहुत ही लाभकारी है इससे समाज में भी उनकी एक बेहतर छवि बनेगी साथ ही साथ बच्चों में भी प्रेरणा आएगी बच्चे भी उनसे प्रेरित होंगे कि यूनिफॉर्म पहन करके ही विद्यालय आना है इसका हर तरह से सकारात्मक संदेश जाएगा और शिक्षकों की यह लंबे समय से मांग रही है हम लोग तो स्वागत करते हैं और कई बार से जो हम लोग मांग करते रहे उसको पूरा करने की दिशा में एक पहला कदम है अभी इसमें थोड़ा सा और कुछ करने की जरूरत है वह है कि यूनिफॉर्म का रंग निर्धारित हो और उनका जो ड्रेस कोड हो जैसे कि पुरुष शिक्षकों के लिए कुर्ता पैजामा या पैंट शर्ट का निर्धारण किया जाए महिलाओं के लिए साड़ी अथवा सलवार सूट का निर्धारण किया जाए उसका क्या कलर होगा ये भी तय कर दिया जाए कि यूनिफॉर्म की तरह लगे पूरे प्रदेश के शिक्षक एक ही यूनिफॉर्म में विद्यालय आए जाए समाज में सकारात्मक संदेश जाएगा और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी लेकिन उनके लिए जो राशि है एक यूनिफॉर्म के लिए जो राशि मिलती है उसका भी आवंटन जरूर किया जाए धन्यवाद टीचरों के बीच इस नए आदेश को लेकर विरोध और समर्थन के सुर सुनाई दे रहे हैं लेकिन ड्रेस के लिए भत्ता मिले ये मांग सबकी है अब देखना ये होगा कि सरकार इस दिशा में आगे क्या कदम उठाती है और क्या शिक्षकों की वित्तीय सहायता की मांग पर कोई कार्रवाई होती है पटना से लोकल एटिंग के लिए सचिदानंद की रिपोर्ट